सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। यह गाड़ी i10 मैगना, आज हम इसके स्पार्क प्लग चेंज करेंगे। गाड़ी काफ़ी चल चुकी है लेकिन कभी इसके स्पार्क प्लग चेंज नहीं हुए। आज हम इसके स्पार्क प्लग चेंज करेंगे, देखिए कैसे। और मैं आपको स्पार्क प्लग लीड भी बताऊंगा कौन सी कहां पर लगती है, एक नंबर की कहां पर है, दो नंबर की कहां पर है, चारों लीड आपको दिखाऊंगा मैं। आप खुद भी चेंज कर सकते हैं स्पार्क प्लग और स्पार्क प्लग लीड। सबसे पहले हम इसका एयर फिल्टर खोल लेंगे, एयर असेंबली इसकी पूरी 10 नंबर के या तीनों बोल्टों को खोलेंगे। यहाँ से हटाएंगे कनेक्शन, यहाँ से हटाएंगे। देखिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। यह देखे इसका पाइप, यह पाइप हट गया। फिर इसके बाद यह खोलेंगे, पूरी एयर असेंबली बाहर हटा लेंगे। यह देखिए पूरी एयर असेंबली हमने हटा ली है। अब देखिए हम इसके चारों स्पार्क प्लग खोलेंगे। 16 नंबर की गोटी है, यूनिवर्सल जॉइंट है और अल्टामिया एक हेल्पर है। यह देखिए अब हम इसके स्पार्क प्लग खोलेंगे। यह चारों स्पार्क प्लग चेंज 80,000 किलोमीटर पर चेंज करा देने चाहिए स्पार्क प्लग, इससे इंजन में जान पड़ती है और एवरेज भी अच्छे देती है। यह देखिए चारों स्पार्क प्लग हम निकालेंगे, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। यह देखिए यह स्पार्क प्लग वीक हो रहा है। यह वीक हो रहा है ऊपर से। ये देखिए ये सारे ब्लैक हो रहे हैं ना, ऊपर से फूके हुए हुए हैं, ये वीक हो रहे हैं। तो देखिए अब हम चारों स्पार्क प्लग इसके जेन्युइन ही डालेंगे, ये भी जेन्युइन है। यह देखिए NGK के इसमें स्पार्क प्लग है और NGK के ही डालेंगे हम ओरिजिनल जेन्युइन। यह देखिए चारों जेन्युइन स्पार्क प्लग है, अब हम इनको लगाएंगे। अब देखिए अब मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ, सारे NGK के हैं चारों स्पार्क प्लग। यह देखिए चारों स्पार्क प्लग NGK के हैं। यह देखिए ओरिजिनल NGK के स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग का गैप 0.1 mm ही रखना है। अब देखिए हम प्लग लगाएंगे, हमने गैप मिला दिया है 0.1 mm, ध्यान रखना है, ध्यान रखने की बातें हैं। अब चारों प्लग हम लगाएंगे इसके। स्पार्क प्लग की एक चूड़ी चढ़ा ले हाथ से, जिससे कि इस प्लग की चूड़ी तिरछी ना हो। चारों प्लग को अच्छे से टाइट करेंगे। यह देखिए चारों स्पार्क प्लग हमने कस दिया है। और फिर इसके बाद स्पार्क प्लग लीड लगाएंगे। यह देखिए पहली स्पार्क प्लग लीड ये है। दूसरी स्पार्क प्लग लीड ये है, ये वाली पहली दूसरी। यह देखिए वैसे छोटी बड़ी लीड भी होती है लेकिन चेंज भी करा देते हैं इसलिए अलग अलग हो जाती है। यह देखिए यह तीसरे वाली है। यह चौथा नंबर है लगा जी। एक बार और बताना चाहूँगा,
यह पहला नंबर, यह दूसरा नंबर, यह तीसरा नंबर, यह चौथा है और सेंट्रो जिंक आई टेन एरा और कापा, इन गाड़ियों की लीड सेम है। अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे हम। स्टार्ट करने के बाद चेक करके फिर इसकी स्पार्क यह देखे गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे। यह गाड़ी स्टार्ट हो गई, हमने स्टार्ट कर दिया। यह गाड़ी जेन्युइन पेट्रोल में है और काफ़ी चलने के गाड़ी काफ़ी चलने के बाद उसके स्पार्क प्लग चेंज करा देने चाहिए, जिससे कि समस्या ना आए, जैसे कि एवरेज कम और मिसिंग करना। मिसिंग करने के बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन स्पार्क प्लग ज़रूर चेंज करा दें। और यह लीडों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी लीड भी ख़राब हो जाती है। अब हम इसकी एयर असेंबली लगाएंगे और हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। स्पार्क प्लग रिप्लेसमेंट, यह एयर असेंबली लगा देंगे इसकी हम, या एयर असेंबली इसकी लगाएंगे। एयर असेंबली लगाने के बाद देखिए एयर असेंबली के कनेक्शन करेंगे। यह एयर असेंबली कस रहे हम। स्पार्क प्लग चेंज करा देने से गाड़ी एवरेज भी अच्छा देगी और पिकअप भी अच्छा लेगी। गाड़ी रेडी हो चुकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।